स्टूडेंट ऑफ क्लास सेंटर, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे टॉपिक है वो है पॉलीमरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमरिक हाइड्राइड्स में क्या हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स क्या कहते हैं। पॉलीमरिक हाइड्राइड्स में हमने कोवलेंट और आयनिक और मेटा हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स। तो जो आयनिक हाइड्राइड्स में दो एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के बच रहे थे, जैसे हमारा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्या बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जब बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा था तो पॉलीमर कंपाउंड बना रहा था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक दो मोनोमर सेम ग्रुप के कंबाइन होकर लॉन्ग चेन में क्या बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन कंपाउंड बनाते हैं। माना ऐसे ही पॉलीमर्स कहते हैं कि सिंगल ये कॉम्बिनेशन हम क्या है, इट इज अ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। ये कॉम्बिनेशन है किसका, मोनोमर्स का। मोनोमर्स कैसे, जैसे आपको के अच्छा ये ज़्यादातर होता है हमारे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं मोनोमर। मोनो कहते हैं सिंगल, मस मना यूनिट है। जैसे आप सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया मोनोमर, एक ये हो गया मोनोमर। इसके साथ कंबाइन करो सेम ग्रुप का मोनोमर, ये भी हो गया मोनोमर। मोनो कहते हैं सिंगल, मास मना यूनिट, सिंगल यूनिट, दूसरा भी सिंगल यूनिट से आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, लॉन्ग चेन वाला ऐसे CH2 और ये चलती जाएगी चेन फॉर्म में, आगे ये चलते जाएंगे मोनोमर। पॉली कहते हैं मेनी मास मना यूनिट, डिफरेंट मना मेनी मोनोमर्स मिलेंगे ऐसे। ये देखो मोनोमर्स ये कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे। तो एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें सेम ग्रुप वाले भी डिफरेंट ग्रुप वाले भी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके आपस में रिएक्शन करके विथ रिस्पेक्ट टू देयर बॉन्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंस शेयर वो क्या बनाए, लॉन्ग चेन में एक लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड बनाए। उस लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड को कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और उसको कहते हैं पॉलीमर कंपाउंड। तो यहाँ पे पॉलीमर हाइड्राइड्स क्या बन रहा है, कौन सा पॉलीमर हाइड्राइड्स बन रहा है, जब भी ये बनेगा कोवलेंट पॉलीमर क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा। ये याद रखना, जब भी वेन मैग्नीशियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इट गिव्स अ पॉलीमर हाइड्राइड्स, या उनकी जो फॉर्मेशन होगी वो पॉलीमर हाइड्राइड्स होगी। जैसे ये बेरिलियम ये बना रहा है हाइड्रोजन, तो बन रहा है बेरिलियम हाइड्राइड। इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। अच्छा कैसे, ये से होता है क्योंकि ये BE इसके साथ दो हाइड्रोजन लगेंगे ऐसे। देखो ये हो गया, एक हो गया ये मोनोमर, क्या हो गया, ये हो गया मोनोमर। इसके साथ दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड, ये भी हो गया मोनोमर।
ये जो मैं नीचे एन शो कर रहा हूं ना, ये एन आइडेंटिफाई करता है नंबर ऑफ मोनोमर्स, कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बेरिलियम हाइड्राइड्स, ये भी बेरिलियम हाइड्राइड्स, ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन वाला क्या बनाएंगे, पॉलीमर कंपाउंड बनाएंगे, लाइक डेड स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये बेरिलियम हाइड्रोजन, यहां से ये हाइड्रोजन दूसरे बेरिलियम का, देखो ये बेरिलियम की हाइड्रोजन इसके साथ भरी है, इसके साथ क्या बनाएगी, ये जो डार्क लाइन कह रहा है मैं इस हाइड्रोजन बांड बना रहा है ऐसे, ये दोबारा ऐसे बनाएगा, ये दूसरा बनेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और ये कंटिन्यू ऐसे चेन बनती जाएगी ऐसे। माने यहां पे देखो, ये बेरिलियम हाइड्राइड एक, ये देखो मैं इंडिकेशन कर रहा हूं, बेरिलियम हाइड्राइड यहां से, दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड यहां से, तीसरा बेरिलियम हाइड्राइड यहां से, ये आपस में कंबाइन, माना एक मोनोमर बेरिलियम हाइड्राइड का ये, दूसरा मोनोमर बेरिलियम हाइड्राइड का ये मिलियन की तादाद में ये आपस में कंबाइन होंगे और लॉन्ग चेन में क्या बनाएंगे, पॉलीमर कंपाउंड, और उस पॉलीमर कंपाउंड का नाम होगा पॉलीमर हाइड्राइड्स, क्योंकि ये बना रहा है बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और उनकी इनकी स्ट्रक्चर या उनका जो कंपाउंड की नेचर बनेगी वो बनेगी पॉलीमर कंपाउंड वाली, तो इस वजह से इनको बोल रहे हैं पॉलीमर हाइड्राइड्स। ये आपस में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की वजह से बनते हैं, उनमें फार्मूला, इनका फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, इन दोनों के जनरल फार्मूले होंगे BeH2, यहाँ से N शो द नंबर ऑफ पॉलीमर, नंबर ऑफ मोनोमर्स ये लॉन्ग चेन में, दूसरा होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड ऐसे। ये देखो यहां से एक मोनोमर ये, मैं दोबारा कह रहा हूं, और दूसरा मोनोमर ये अब और भी होंगे जो लादादा में होंगे, ये आपस में कंबाइन होकर ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे, इसको आप ऐसे भी सकते हो R, ये से बेरिलियम हाइड्राइड कंबाइन हो गया दूसरे बेरिलियम हाइड्राइड के साथ, ये भी कंबाइन हो गया तीसरे बेरिलियम हाइड्राइड के साथ ऐसे, और ये क्या बनाते जाएंगे आगे, ये लेन लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे ऐसे, ऐसे लॉन्ग चेन बनाते जाएंगे। देखो यहां पे क्या मैंने तीन, एक बेरिलियम हाइड्राइड ये, दूसरा इसके साथ कंबाइन होगा बेरिलियम हाइड्राइड, इसके साथ कंबाइन होगा बेरिलियम हाइड्राइड, तो ये लॉन्ग चेन कंटिन्यू बनाते जाएंगे और ये इस कंपाउंड का नाम होगा पॉलीमर कंपाउंड, इसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहेंगे। अच्छा अभी दूसरा एग्जांपल लें इसी का ही, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इनकी नेचर क्या होगी, कोवलेंट वाली होगी, इनमें बांड भी क्या होगा, कोवलेंट वाला होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी दूसरा मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड पर इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर, ये पॉलीमर कंपाउंड बनेगा, इसकी स्ट्रक्चर बना कैसे, ऐसे होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड इसके साथ, ये कंबाइन होगा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, माना दूसरे मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ ऐसे, और ये दूसरा इसके कंबाइन होगा हाइड्रोजन, और ये ऐसे मैग्नीशियम, ये नेटवर्क बनता जाएगा ऐसे, ये चलता जाएगा आगे ऐसे, ऐसे, और ये कंटिन्यू चेन बनती जाएगी ऐसे, ठीक, ये शो कर रहा है नंबर, ये इस तरीके से, यहां इसको आप ऐसे लिखो R MgH2, ये कंबाइन होगा किसके साथ, MgH2 के साथ, ये कंबाइन होगा MgH2 के साथ,
ये दूसरा कंबाइन होगा MgH2 के साथ, ये चलती जाएगी चेन, ये N शो करेगा हमें ये नंबर ऑफ जो है ना मैग्नीशियम आयोडाइड आपस में कंबाइन होते जाएंगे, और उनकी जो नेचर होगी वो पॉलीमर कंपाउंड वाली होगी, और इसको पॉलीमर आयोडाइड क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहा है, बाइनरी कंपाउंड बना रहा है, इस वजह से बोरेन को पॉलीमर हाइड्राइड्स, और इन कंपाउंड की नेचर जो होगी, जो इनमें अंदर बॉन्ड होगा वो आयनिक नहीं होगा, वो होगा कोविलेंट। क्या होगा? कोविलेंट। इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक और कोविलेंट के बीच वाली होती है, माने इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक और कोविलेंट वाले के बीच में होती है, माना ये सेमी सॉलिड हो सकते हैं, इसके अलावा इनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कोविलेंट और आयनिक कंपाउंड के बीच में होगी, माना ये क्या होंगे, ना मेल्टिंग पॉइंट की हाई होगी ना लो होगी, बीच वाली होगी, ये दूसरे क्या बनाएंगे, कलरलेस गैसेस भी हो सकते, कलरलेस लिक्विड भी हो सकता है, कलरलेस सॉलिड भी हो सकता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को ये पानी में डिजॉल्व हो सकता है, पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता, माने इन दोनों की बीच वाली जो स्टेट होगी कोवलेंट और आयनिक के बीच वाली इनकी नेचर होगी, ये कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या कभी नहीं करेंगे, इनकी नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि ये किसके साथ किस तरीके से नेचर बना रहा है अपनी। तो ये हमने पढ़ा आज पॉलीमराइडेड्स, पॉलीमराइडेड का सिंपल डेफिनेशन ये, जब भी मैग्नीशियम और बेरिलियम का रिएक्शन हो तो वो हमें पॉलीमर कंपाउंड देगा, उस पॉलीमर कंपाउंड का नाम होगा पॉलीमरिक हाइड्राइड्स। ये जैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा पॉलीमर हाइड्राइड्स, पॉलीमरिक। और इनकी नेचर क्या होगी, इनकी नेचर कोवलेंट और आयनिक के बीच वाली होगी, और ये इस तरीके से लॉन्ग चेन बनाता जाएगा, एक मोनोमर ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये आपस में, ये चौथा मोनोमर, ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और एक लॉन्ग चेन वाला पॉलीमर कंपाउंड बनाएंगे, उस पॉलीमर कंपाउंड का नाम होगा पॉलीमर हाइड्राइड्स। सिंपल है, जब मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के साथ लॉन्ग चेन वाला मेनी मोनोमर्स वाला कंपाउंड बनाए, उस मेनी मोनोमर कंपाउंड्स का नाम होगा पॉलीमर हाइड्राइड्स, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन है तभी इनको बोल रहे हैं हाइड्राइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक और कोवलेंट के बीच में होगी, मस्ट बी रिमेम्बर। तो आज हमने पढ़ा पॉलीमर हाइड्राइड्स, उसके बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बॉर्डर लाइन एंड मेटालिक हाइड्राइड्स, ये लास्ट में रह रहे हैं जो हम पढ़ेंगे। इनका यूजेज कहाँ पे होता है, इनका यूजेज होता है केमिकल रिएजेंट में, इनको यूज़ करते हैं, इनका यूजेज होता है पेंट वार्निश में, इनकी कंपाउंड में इनको यूज़ करते हैं, और ये कभी कभी यूज़ होते हैं प्यूरिफिकेशन यूनिट के लिहाज से भी इनको यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर केमिकल रिएजेंट के लिहाज से यूज़ होते हैं।